नमस्कार दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो आज बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि L&T फाइनेंस का प्री अप्रूवल लोन हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। मैं आपको दो तीन स्टेप आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या स्टेप हमें करनी पड़ेगी या हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो, और उसमें हमें KYC कैसे करनी होगी और हमारे अकाउंट में जो भी हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, जो अमाउंट हमने अप्लाई करी है तो वो कितने टाइम में हमारे अकाउंट में आएगी और बाकी का जो भी प्रोसेस है आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए शुरू कर दे। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ इस तरह से L&T फाइनेंस के तरफ से हमें जो प्री अप्रूवल का मैसेज है वो हमें मिल जाता है। अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आया तो आप L&T फाइनेंस में फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हो। अगर ओल्ड कस्टमर आप हो तो आपको 100% वहाँ से मैसेज आ जाएगा, आपको स्पेशल ऑफ़र जो L&T फाइनेंस की तरफ से हो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे दोस्त को ये मैसेज L&T फाइनेंस की तरफ से आ चुका है। तो यहाँ पे सीधे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन और उसका नाम लिखा है यू आर स्पेशल फॉर अस, अवेल योर प्री अप्रूवल लोन ऑफ ₹1,00,000 विथ L&T फाइनेंस सर्विसेज। मतलब L&T फाइनेंस की तरफ से ये प्री अप्रूवल लोन की जो स्पेशल ऑफ़र है तो मेरे दोस्त को यहाँ पे मिल गई है। तो उसमें ₹1,00,000 का उसका पर्सनल लोन यहाँ पे लिखा गया है कि उसे मिल सकता है। और यहाँ पे क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू गेट स्टार्ट, वी विल असिस्ट यू ऑन योर पेपरलेस लोन एंड सिक्योर। मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पे L&T फाइनेंस ने लिखा है कि यहाँ पे जो लिंक दिया गया है वो लिंक पे आपको क्लिक करके आपको जो भी बाकी की प्रोसेस है तो यहाँ पे आपको करनी होगी। और यहाँ पे पेपर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी L&T फाइनेंस के ऑफिस में जाके नहीं देने हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ से आप अपने फ़ोन से ही अपलोड करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी आप अगर ओल्ड कस्टमर हो तो आपके पहले से ही L&T फाइनेंस के पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो उनको हमें वापस फिर से हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते हैं। हमें सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है हमें यहाँ से ही अपने फ़ोन में फिर से डालने पड़ते हैं, यहाँ से ऑनलाइन ही करने पड़ता है। तो चलिए मैं लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। हम लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए L&T फाइनेंस सर्विसेज कस्टमर, मतलब यहाँ पे हम L&T फाइनेंस के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर जो हमने L&T फाइनेंस में हमारा जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर वहाँ पे लिंक है तो वो नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो मैं यहाँ से फटाफट से मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे OTP पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सीधे OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से L&T फाइनेंस की तरफ से हमें एक OTP मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम हमारे फ़ोन नंबर पे OTP मिल चुका है। तो यहाँ पे OTP वो डाल देंगे। यहाँ पे सीधे हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर में जो लॉगिन लिखा है तो यहाँ पे सीधे हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर जस्ट 4 स्टेप अवे फ्रॉम अवेलिंग योर ऑफ़र। मतलब हमें यहाँ से हमें चार स्टेप पूरी करनी होगी तब जाके हमारा जो भी अमाउंट है पर्सनल लोन का जो भी हमें अमाउंट मिलने वाला है वो 4 स्टेप में हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना होगा, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से हमें एक पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस पेज में देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि पेज में क्या क्या यहाँ पे आया है हमें। तो यहाँ पे लिखा गया है फाइनलाइज लोन ऑफ़र, मतलब यहाँ से यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट यहाँ पे ₹1,00,000 लोन अमाउंट यहाँ पे हमें L&T फाइनेंस की तरफ से मिल रहा है फाइनल अमाउंट। और यहाँ पे टेन्योर, मतलब हम ये 3 साल के लिए 36 महीने के लिए हमें L&T फाइनेंस ये हमें यूज़ करने के लिए ₹1,00,000 दे रहा है। हम ये इसे EMI के थ्रू
हम 36 महीने में इसे थोड़ा थोड़ा करके हम भर सकते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे 16.5% का यहाँ पे दिखाया गया है। और जो भी हमें ईएमआई अगर 36 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 3,619 रुपये हमें हर महीने भरना होगा। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे, देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 24 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हर महीने हमें 5,005 रुपये यहाँ से हमें भरने होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा और चेक करते हैं, चलिए देखिए अगर हमें 1,00,000 रुपये नहीं लेने हैं तो हम यहाँ से वो अमाउंट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए हम यहाँ से वो अमाउंट यहाँ से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी हम यहाँ से हमें जितने भी लोन की ज़रूरत है, हमें जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है तो हम यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने 1,00,000 रुपये यहाँ पे सेट कर दिया है और 36 महीने के लिए यहाँ पे सेट करके रखा है। और जो भी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो 16.5% है। और यहाँ पे हमें हर महीने 3,619 रुपये हमें हर महीने भरने पड़ेंगे। और यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट जो दिखाई दे रहा है तो 1,02,200 रुपये, जो भी इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है उसमें इंक्लूड करके यहाँ पे हमें 1,02,200 रुपये यहाँ पे हमारे टोटल लोन अमाउंट हो जा रही है, हो रही है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फ़ी हमें यहाँ पे 2,000 रुपये लगेगी। और यहाँ पे ब्रोकन पीरियड चार्जेस उसके 700 रुपये हमें यहाँ पे लगने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे इंश्योरेंस जो कि एक ऑप्शन है, पता नहीं ये क्या है लेकिन शायद यहाँ पे भरना भी पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1,00,000 रुपये के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस जो प्रीमियम यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रही है तो वो 1,500 रुपये है। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट प्रोसीड कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद हम कुछ इस तरह के ऐसे पेज में हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो भी KYC डिटेल है यहाँ पे लिखा गया है कि हमें यहाँ पे KYC हमें करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो भी लोन एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे ऊपर हमें दिखाई देगा। और यहाँ पे जो भी डेट है, जिस डेट को हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो डेट भी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे जो भी फाइनलाइज अमाउंट है तो यहाँ पे फाइनलाइज अमाउंट जो भी हमारे जो प्रोसेसिंग चार्जेस और जो भी बाकी के चार्जेस है वो पकड़ के यहाँ पे फाइनलाइज अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। और हमने जितने टाइम के लिए, जितने साल के लिए हमें यहाँ पे जो भी ये लोन के लिए अप्लाई किया है उसका जो भी मंथ है, जो भी उसके साल है यहाँ पे हमें दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है एग्जिस्टिंग डिटेल, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जो भी हमारे डिटेल है, अगर आप हम ओल्ड कस्टमर है तो हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल हमारी आ जाएगी, हमारा पैन कार्ड आ जाएगा, हमारा यहाँ पे नेम आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो मेल है, फीमेल है यहाँ पे दिख जाएगा, नीचे हमारी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, हमारा फादर नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो L&T फाइनेंस के पास है। हमारा लैंडमार्क, हमारा पिन कोड, हम जो सिटी में रहते हैं वो सिटी का नाम, जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट का नाम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि यहाँ से हमें कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हम कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं, किस डॉक्यूमेंट के जो भी हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उस पे जो एड्रेस है वो और जो डॉक्यूमेंट हमें लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर देंगे। तो आधार सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपलोड करंट जो भी आधार प्रूफ है उसकी जो फ्रंट का जो फ़ोटो है तो यहाँ पे क्लिक करके हमें डालना होगा। नीचे अपलोड करंट एड्रेस प्रूफ बैक, मतलब जो आधार का पिछले बैक साइड का जो फ़ोटो है वो यहाँ पे हमें डालना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये। तो यहाँ पे देखिए जैसे अपलोड करंट आधार एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप का आइकॉन आ जाएगा। तो जैसे हम कैमरे पे क्लिक कर देंगे हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से हम जो भी हमारा आधार कार्ड है उसकी फ्रंट कॉपी यहाँ पे निकाल के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए ये मेरे दोस्त को ये मैसेज मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं मेरे खुद की जो भी डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे आगे की जो भी आपको प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी KYC डिटेल है यहाँ पे पूरी करने के बाद हमने
यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो CLI फॉर्म, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो सेम डिटेल हम क्या करते हैं, क्या हमारा जॉब क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद वो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो भी लोन पर्पज़ है, हम किस चीज़ के लिए ये लोन ले रहे हैं, हमें क्या चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे रीज़न डालना होगा कि हम ये समझो किसी हमारे घर के लिए, घर के मेंटेनेंस के लिए लेना हो, या हमारे गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए लेना हो, खुद के यूज़ के लिए लेना हो, या हमें कहीं टूर पे जाना हो उसके लिए, तो यहाँ पे सीधे कोई भी एक रीज़न यहाँ पे डाल के हमें ये भी फॉर्म सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे बैंक डिटेल का, तो यहाँ पे बैंक डिटेल में हमें सीधे हमें जो भी हमारा बैंक डिटेल में हमें ये पर्सनल लोन ये अमाउंट हमें लेनी है, तो यहाँ पे है उस बैंक का हमें पूरे यहाँ पे IFC जो भी नंबर है, IFSC कोड, बैंक डिटेल जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे हमें डाल देना होगा, पूरा भर देना होगा, और यहाँ पे ये भी फॉर्म हमें सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद जो लास्ट में आएगा वो लोन एग्रीमेंट, जो लास्ट में एक फॉर्म मिलेगा L&T फाइनेंस की तरफ से, तो वहाँ पे जो ई साइन है वो यहाँ पे हमें ऑनलाइन यहाँ पे साइन करके हमें वो भी सबमिट कर देना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस होने में एक 5 से 10 मिनट का ही टाइम जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन प्रोसेस में है, तो हमें कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लेके L&T फाइनेंस के ऑफिस में नहीं जाना है, किसी भी एम्प्लॉय को हमें नहीं मिलना है। तो ये सब पूरी प्रोसेस होने के बाद ये सभी जब हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये सीधे जाएगा L&T फाइनेंस के पास। तो L&T फाइनेंस के पास जाने के बाद हमारी जो भी बैंक डिटेल हमने यहाँ पे सेव किए है, और जो भी हमने हमारे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव किए हैं, तो L&T फाइनेंस वहाँ पे वेरीफाई करेगा कि ये सही में बंदा जो जिसने भी ये अप्लाई किया है वो वही है या कोई अलग है। तो वो सीधे बैंक और हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं तो दोनों में वेरीफाई करेगा कि ये सेम है। अगर सेम होगा तो 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में जो भी हमने लोन अमाउंट यहाँ से अप्लाई किया है, जो भी लोन यहाँ से अप्लाई किया है वो हमारे अकाउंट में 24 घंटे में आ जाएगा। तो एकदम ईजी स्टेप है, ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन की बात नहीं है, हम एकदम आसानी से 10 से 15 मिनट में हम पूरी प्रोसेस करके, अगर समझो आज हमने ये प्रोसेस कर दी तो कल मतलब 24 घंटे में, कल सुबह या दोपहर तक हमारे जो भी अमाउंट है हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी L&T फाइनेंस की तरफ से। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ऑनलाइन सबमिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे L&T फाइनेंस सर्विसेज के ऑफिस में, उनके कस्टमर केयर में आपके फ़ोन से उनको फ़ोन कभी भी लगा सकते हैं, वो आपकी जो भी आपका इशू हो वो आपको ऑनलाइन ही आपको सपोर्ट करेंगे, आपका जो भी इशू हो वो आपको क्लियर करके देंगे। तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।